पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ तो कुछ सीख के ही जाएंगे। ये सामने हम लोग का टेक्सटाइल लगा है, ये टेक्सटाइल है। ये पैनलों को, जैसे ये अभी क्या है, आपका स्टैंडर्ड पैनल है, ये स्टैंडर्ड पैनल है, इन दोनों के बीच के ये इस गैप को, ये आप देख सकते हैं, इस गैप को भरने के लिए कि इससे मिट्टी बाहर ना निकले। हम जब इसमें मिट्टी फिल कर देंगे तो इससे बाहर के साइड मिट्टी कट के निकले ना, इस वजह से इसको टेक्सटाइल लगाया जाता है। अब ये टेक्सटाइल पूरी तरीके से अच्छे से चिपक गई है, जिससे अंदर की मिट्टी फिल होने के बाद ये बाहर नहीं निकलेगी। और ये अभी कंपोजिट फैलाया गया है टेक्सटाइल, पहले टेक्सटाइल सभी जॉइंट्सों पे, जितने पैनल के जॉइंट्स बन रहे हैं, जितने भी पैनलों के जॉइंट्स बन रहे हैं, सब पे हम लोग टेक्सटाइल लगा चुके हैं। अब देखिए कंपोजिट कैसे लगाया जाता है। ये पूरा कंपोजिट ऐसे फैला दिया गया है, इसको इस पे लगा के अच्छी प्रकार से बेंडिंग वायर से बांध दिया जाएगा। हाँ कोमल, चाकू लेके क्या करने जा रहे हो? किसको मारोगे? क्यों, तुमको खराब लगता है तुम्हारी वीडियो बनती है? तो देख गए क्या बोलते हैं दोस्तों। इस कंपोजिट की चौड़ाई 2 मीटर थी, इसलिए हम इसको बीच में फोल्ड करके काट रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हम अभी कंपोजिट लगाने हैं वो केवल हमको यहाँ से यहाँ तक ही लगाने हैं। अगर हम लोग कंपोजिट 2 मीटर का पूरा लगा देंगे तो फिर इस पर पैनल रखने में समस्या आएंगी, इस वजह से एग्जैक्ट में जितनी साइड पे कंपोजिट लगानी हो उतनी ही काटनी चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे कंपोजिट को फोल्ड करके काटा जा रहा है, केवल हम लोग यहाँ से लेके इतनी दूर तक ही कंपोजिट लगाएंगे। नीचे कंपोजिट लगा हुआ है, फिर इसके बाद इधर पैनल इरेक्शन होगा, फिर उसके बाद फिर कंपोजिट काट के लगाएंगे। यही प्रोसेस कंटिन्यू ऊपर तक जाएंगे और स्टॉप में यहाँ तक पूरी आरीवाल खड़ी करके सब गेट बना के फाइनल रोड ऊपर से छोड़ देंगे। अभी जैसे कि आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रैप, जो बेल्ट होती है, उसको लगाने के लिए बेड बनाया जा रहा है। ये बेड इधर जैसे पूरी हम लोग की अभी कंपोजिट लग चुकी है। कंपोजिट लगने के बाद, जैसा कि पहले आप लोग को वीडियो में बता चुका हूँ, इस पैनल में जो बेल्ट लगती है कैविटी में, जैसे ये कैविटी है, ये कैविटी है, इस कैविटी है, सभी कैविटियों में जो बेल्ट लगती है, इसमें बेल्ट फंसानी है, उसको हम लोग चाकू द्वारा वहाँ पे बेल्ट फंसाने के लिए काट लेते हैं। अभी ये चाकू द्वारा काट दिया गया है, ऐसे काट दी गई इन्हीं में कैविटियों में बेल्ट फंसा के इस साइड में हुक द्वारा ठोक के बेल्ट लगा दिया जाएगा। अब ये हमारा बेड बन रहा है दोस्तों। बेड हमेशा अंदर की तरफ झुका होना चाहिए, इधर हमेशा प्लस कैम्बर रहना चाहिए, इधर माइनस कैम्बर, हमेशा जब भी बेड बनेगा इधर प्लस कैम्बर रहेगा, इधर माइनस कैम्बर रहेगा। लगभग 2 से 2.5% के कैम्बर के हिसाब से पैनल से अंदर के साइड माइनस में आएगा, 2 से 2.5% कैम्बर रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग किनारे किनारे बेबी रोलर से रोलिंग कराएंगे, फिर सॉइल कंपैक्टर से रोलिंग कराएंगे।
आपको इसके अंदर भी दिखा देता हूँ। ये कंपोजिट मिट्टी से बिल्कुल नहीं गलता, जैसा है वैसा ही रहेगा 10-20 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी ये खोल के देख सकते हैं, कभी भी ये बिल्कुल मिट्टी से कोई इसको इफेक्ट नहीं होता। कंपोजिट को बेंडिंग वायर से कैविटी में लगे हुक में फंसा के इस प्रकार से मोड़ के टांग दिया जाता है, जिससे पूरी कंपोजिट पैनलों में अच्छी प्रकार से टंग गई है। अब इधर से मिट्टी भर के ऐसे पूरी हम लोग कैविटी तक मिट्टी भर देंगे, फिर उसके बाद जियो स्टेप लगाएंगे। आइए आप लोग को दिखाते हैं कैविटी कैसे काटी जाती है, उसका क्या प्रोसेस है। कंपोजिट को कैविटी की जगह पे काटते हैं, जिससे कि हम लोग जियो स्टेप लगा सकें। जियो स्टेप लगाने के लिए कंपोजिट को कैविटी की जगह पे काट के उतने स्थान को खोल दिया जाता है। दिखाता हूँ काटने के बाद ये किस प्रकार दिखता है। ये देखिए कंपोजिट को काट के कैविटी की जगह फ्री कर दिया गया है। अब इसमें हम जियो स्टेप को लगा के कस देंगे। पूरे कंपोजिट में इसी प्रकार कैविटी की जगह पे कंपोजिट को काटते हैं और उसमें बेल्ट से लगा के हुक द्वारा ठोक दिया जाता है। दोस्तों इस आरी वाल को राइट की आरी वाल कहते हैं और ये आरी वाल लेफ्ट की आरी वाल हो गई, और ये अभी जो हमारा ये वाल है इसको हम लोग क्लोजिंग वाल बोलते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों को ये क्लोज कर रही है, इसलिए हम इसे क्लोजिंग वाल बोलते हैं। क्लोजिंग वाल में पैनलों के साइड बेबी रोलर, इसको मिनी रोलर, बेबी रोलर, दोनों रोलर बोला जाता है, इससे रोलिंग करते हैं। क्योंकि अगर इधर हम लोग बड़े रोलर सॉइल कंपैक्टर से रोलिंग करेंगे तो इस पैनलों को टूटने या टच होने या ज़्यादा स्लोप में चले जाएंगे, बाहर के साइड पैनल ज़्यादा ना बाहर भागे, इस वजह से हम लोग बेबी रोलर से इधर रोलिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बेबी रोलर से किस प्रकार रोलिंग किया जाता है। सॉइल कंपैक्टर से रोलिंग के बाद अभी हमारा बेड जियो स्टेप लगाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। आगे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे जियो स्टेप लेइंग करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहें। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जियो स्टेप की लेइंग मेरे पीछे स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले
देखिए बेल्ट को टाइट करने के लिए ये हमारा